चलो बिस्मिल्लाह स्टार्ट करें। चलो ठीक, चलो हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़े पहले, जो हमने हमने बीम पढ़ा है, बीम फ्रेम्स फोर्थ मेथड पढ़ा है ना, बीम के लिए, फ्रेम के लिए, ट्रस के लिए, मेथड जनरली, मतलब सबसे पहले हमने फोर्थ मेथड पढ़ा है, ठीक है, फ्योर था फोर्थ मेथड। फिर उसके बाद सर्विस सीम ने हमने कौन सा पढ़ा है, स्लोप मूवमेंट मेथड, डिफ्लेक्शन, स्लोप डिफ्लेक्शन कर दिया और मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें तीन मतलब मेजर मेथड्स पढ़े हैं। अभी हम आईएलडी कर रहे हैं वो तो, मगर इससे डिफरेंट ही है। तो अब ये फोर्थ मेथड जो है ये हमने तीन केसेस के लिए पढ़ा है, पहले बीम के लिए, फिर फ्रेम के लिए, फिर ट्रस के लिए। जो स्लोप डिफ्लेक्शन है वो भी हमने मतलब तीन के लिए पढ़ा है, इसमें ट्रस नहीं, इसमें हमने किया पहले बीम्स, फिर उसके बाद हमने किया फ्रेम्स और फिर दोबारा फ्रेम्स। पहले वाला फ्रेम है कि जो हमारे पास नॉन स्वे कंडीशन होगी वो, वैसे बात वाली बात है, पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं एक नॉन स्वे और स्वे कंडीशन के लिए। और मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो अब तक हमें पढ़ा है वो अभी हमने सिर्फ बीम्स के लिए पढ़ा है, फ्रेम्स के लिए मेरे ख्याल से ये नहीं किया। जैसे कि आपको ही तो पता होगा यार, हमें कौन सा ऐसे पता है। ठीक है, चलो फोर्थ में से स्टार्ट करते हैं। अच्छा फोर्थ मेथड में हम करते हैं क्या, पहले सबसे पहले मैं स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे पास कोई भी मतलब ये कोई भी बीम या कोई भी समझो फ्रेम गिवन है, और हमदा आपकी ये आवाज नहीं आ रही। हमजा भाई ये आप म्यूट हो गए हो मेरे से, मैं आपको पिन करने लगा था, मिस्टेक के लिए म्यूट कर दिया अच्छा था, तो अच्छा वो को पिन ठीक, डाउन कर। हाँ वो तो डायलॉग आ गया। ठीक, छोटे अब तो आ बाद आ जा राने, तेरे उल्टे ही काम में कभी तो सीधा काम कर यार, लिया था। नहीं यार वो मैंने अच्छा पिन तो कर संभाल लिया कर था तू, इसको, मैंने मीटिंग तो ऑप्शन तैयार में कर सर, लिया था। मीटिंग अच्छा ऑप्शन भाई करने को पड़ेंगे फोन लगता कर, है। भाई अब मैनू नहीं चढ़दा है, मैंने कि मैं संभाला भाई, सानू दबके लांदा अगला। चलो मैं यही बता रहा था कि इसके अंदर हमें कोई भी इंडिटर्मिनेट बीम बनी, कोई भी इंडिटर्मिनेट बीम बनी हुई है, हमने उसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब उस बीम को सॉल्व या फ्रेम को सॉल्व करने का मतलब उसके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी होती है, क्योंकि असल में जो हमने जैसे हम स्टील में हम कर रहे हैं, हम वो उसकी मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होती है मैक्सिमम मोमेंट वाली, उसको ही हम देख के करते हैं ना फाइंड, जो हमने सारा कुछ अपने मेंबर वगैरह डिज़ाइन करना होता है, तो इसलिए हमें ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहिए होती है। यहाँ से इनकी मैक्सिमम वैल्यू पर चलेगी जिसको हम आगे वो डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। चलो ये समझो हमारे पास कोई भी बीम ये गिवन है, तो हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको जो सबसे पहला स्टेप है इसको रिजॉल्व करना है प्राइमरी स्ट्रक्चर और रिडंडेंट स्ट्रक्चर में, ये अभी करते हैं पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने इक्वेशन बनानी है इसकी, इसको चेक करते हुए हमने इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए ना, फ्लेक्सिबिलिटी के तो उसको देखते हुए हमने इक्वेशन बनानी है जिससे हम जिनमें हमारा जो अननोन होगा ना वो हमारे पास हमारी डिफ्लेक्शन होंगी, मतलब हमने डिफ्लेक्शन को यूज़ करके फिर पहले हम फोर्स को यूनिट फोर्स लेंगे उससे डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, फिर डिफ्लेक्शन को यूज़ करके हम फोर्स फाइंड निकालेंगे। तो मतलब एंड जो हमारा अननोन होगा ना वो हमारे पास फोर्स होगी, डिफ्लेक्शन नहीं, डिफ्लेक्शन हम फाइंड कर लेंगे, इसलिए हम इस मेथड को कहते हैं फोर्स मेथड, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास एंड जो अननोन आता है वो हमारे पास फोर्स ही होती है। इसको यूज़ करके हम इनके बाद कोई भी मेथड यूज़ करेंगे डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए, मतलब डिफ्लेक्शन के कोई भी मेथड है, जिस तरह आज सर हमारे कह रहे थे कि डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज़ कर लो, क्रॉस-सेक्शन कर लो, यूनिट लोड कर लो या मोमेंट एरिया मेथड कर लो, मतलब कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं हमने डिफ्लेक्शन फाइंड कर दी, थीटा या फिर वो डेल्टा, डिफ्लेक्शन या रोटेशन। जब ये निकाल लिया उसके बाद हम फोर्सेस निकाल लेंगे, फोर्सेस आ गई तो हमारे पास फिर आगे हम रिएक्शन निकाल लेंगे, रिएक्शन के बाद फिर कम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक
ठीक है, ये ओवरव्यू कि हमने ये असल में 6 स्टेप परफॉर्म करने हैं। जो हमारे पास जो न्यू स्टेप्स है ना वो बस 3 ही है पहले, कि हमने रिजॉल्व कैसे करना है, इक्वेशन कैसे बनानी है, डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करनी। वैसे डिफ्लेक्शन भी पुराना ही है, पहले 2 स्टेप्स ही न्यू हैं, बाकी फोर्स रिडक्शन और शेयर फोर्स तो ये तो एमएम से करते आ रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही काम है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं कोई करूँ, पहले बीम वाली एक देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये सिंपल केस है, इसको कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री है इसके इंडिटरमिनेसी, ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन या कोई और कोई मुश्किल करूं? कोई मुश्किल सा करो यार। ये क्या वैसे, ये अभी हमजा अभी तो ओवरव्यू ही लेना ना, फिर डिफिकल्ट की। चलो ठीक है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट से मतलब था मेरा कि स्टेप्स उसमें भी सारे यही होंगे, बस उसके अंदर स्टेप्स ज्यादा होंगे। मतलब के स्टेप सारे यही होंगे, मतलब थोड़ा आसान है उसमें, ये ठीक है बीम वाला, चलो यही आसान सा कर लो, बाकी दूसरे फ्रेम और ट्रस ज्यादा मुश्किल है, वो उसको डिटेल से करेंगे। ठीक है, वो वैसे उनके लिए टाइम कम ही है, उनको भी मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी इंडिटरमिनेसी निकालनी है। इसके देखो कितने डायरेक्शन आते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल डायरेक्शन आएगा, एक यहाँ पर मोमेंट का डायरेक्शन आएगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन है, तीन डायरेक्शन है इसके। बीम के लिए ना हॉरिजॉन्टल को इग्नोर कर दो, फिर कोई इंक्लाइन लोड ना लग रहा हो तो हॉरिजॉन्टल को इग्नोर कर दो, उसके फिर फर्क नहीं पड़ता, वो सारे जीरो होते हैं। तो और हमने फॉर्मूला यूज़ करना है कि आर माइनस टू इज इक्वल टू के डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितनी है। तो आर हमारे पास 3 है, 3 माइनस टू इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमारे पास बीम है ये फर्स्ट डिग्री इसकी है, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी है 1। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक रिडंडेंट फोर्स आएगी वो एक ही होगी, रिडंडेंट मतलब एक्स्ट्रा, हम उसको निकाल भी दें तो स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। चलो वो देखते हैं, सबसे पहले हमने इसको रिजॉल्व करना है। अब ये देखो, ये हमारे पास ना जो ओरिजिनल क्वेश्चन ये है हमारे पास, हमने इसको इस तरह रिजॉल्व करना है प्राइमरी स्ट्रक्चर और रिडंडेंट में, कि जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो ना वो स्टेबल भी हो और वो डिटर्मिनेट भी हो। ठीक है, मतलब ये देखो, ये हमारे पास है कैंटिलीवर, इधर से पार्ट है और इधर से एक सिंपली सपोर्टेड है, तो हम इसको दो तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। एक सिर्फ कैंटिलीवर बना दो, ये स्टेबल है ना। हेलो हमजा, ये कौन सा टॉपिक है, थोड़ा स्टार्ट से बताए, मैं तो अभी आ गया। ये फोर्स मेथड है, मतलब स्टार्ट से स्टार्ट करें कि ये मैंने बताया स्टेप्स कौन से हैं। प्राइमरी पहले हम ये स्ट्रक्चर को रिजॉल्व करते हैं, फिर इक्वेशन फाइंड करते हैं, फिर डिफ्लेक्शन निकालते हैं। ये तीन स्टेप्स जो है हमने मतलब करने हैं, न्यू है हमारे लिए, बाकी तीन जो है फोर्स रिडक्शन और शेयर फॉर बैंडिंग मूवमेंट, ये हम पहले से भी करते आ रहे हैं। तो ये ऊपर वाले हम ये अभी पहला स्टेप कर रहे हैं कि प्राइमरी और रिडंडेंट स्ट्रक्चर में कैसे करें। तो मैं यही बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर वो है कि जिसके अंदर जो हमारे पास स्टेबल भी हो, दो कंडीशन है, एक उसके वो स्टेबल होना चाहिए और दूसरा के उसके अंदर वो डिटर्मिनेट भी होना चाहिए। क्योंकि जो हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास हैं 3, बीम के केसेस में 2, क्योंकि हम वो हॉरिजॉन्टल और इग्नोर करते हैं, तो उसके लिए हम जो अननोन होंगे हमारे पास वो भी 2 ही होने चाहिए, वरना हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको हमने इसको बनाया है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। प्लस अब जहाँ से तुमने मतलब कोई भी पोर्ट हटाई है ना, ये हमने यहाँ पे बी हटाई थी, तो इधर इसका रिएक्शन लगा दो कोई भी,
बी वाई लगा दो, क्योंकि हमने वर्ट ये रोलर का डायरेक्शन वर्टिकल होता है ना, तो हमने बी वाई वर्टिकल डायरेक्शन लगा दिया। तुम ऊपर से नीचे भी लगा सकते हो, नीचे से ऊपर लगा सकते हो, डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता वो, एंड में बस साइन का उल्टा साइन आ जाता है, वो फर्क नहीं होता कुछ। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर का कैसे बनाया है? इसको हमने वैसे इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब ये जो हमारे पास ये फिक्स पोर्ट है, इसको तुम सिंपली अगर यहाँ से मूवमेंट को रिडेंडेंट बनाओ, इसको हिंज ले लो, यहाँ पर ये रोलर रहने दो, तो ये कोई सिंपली सपोर्टेड बन गई। ये भी स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है ना, तो इधर अगर हमारे पास हमने यहाँ से अपना ये मोमेंट हटाया है फिक्स फोर्स से, इसको हिंज करना है, तो यहाँ पर मोमेंट का रिडंडेंट ना हो। समझाइए कैसे करते हैं, कि हमने अपने स्ट्रक्चर को पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स ना हो, कोई भी रिडंडेंट फोर्स ना हो, सिंपल वो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर हो, तो उसके लिए बाकी सारे डायरेक्शन हटा दो और तीन रहने चाहिए। ठीक है, आगे चलूं? हाँ ठीक हो गया हमका। ठीक। बाकी से भी पूछ ले यार, बोल लो। अच्छा यार, ये गिवन होगा कि आपने किस साइड पर डंडा लेना है? नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे पे चॉइस है, ये तुम पहले इस तरह भी कर सकते हो, दूसरी तरह भी कर सकते हो, पर कोई आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल दोनों के एग्जैक्ट सेम आएंगे, हल्का सा मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस होगा बस, मेथड का मतलब कि हल्की सी कैलकुलेशन में फर्क होगा। चलो एक और देखते हैं, ये देखो मतलब हमारे पास ये कोई बीम है, इसके ऊपर यहाँ पर एक हिंज लगा हुआ है, यहाँ पर रोलर लगा हुआ है, और एक और यहाँ पर रोलर लगा हुआ है, इसको कैसे तुम बनाओगे प्राइमरी स्ट्रक्चर से, क्या बनाओगे, कोई आइडिया हम इसको कैसे करें? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। नहीं, से दरमियान वाली दो सपोर्ट को हटा देंगे, और ये अगर तीनों को भी हटा दें साइड वाली तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तीनों को हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हम फिक्स बना रहे हैं ना, तो इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, हमारे पास बस ये पीछे फिक्स पोर्ट रहनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेबल भी है, डिटर्मिनेंट भी है, प्राइम स्ट्रक्चर होगा, प्लस क्योंकि हमने तीन डायरेक्शन हटाए हैं, तो हमारे पास तीन जो आएंगे वो दूसरे रिडंडेंट, एक दो तीन, तीनों आ गए। अब जिधर जिधर तुमने स्पोर्ट हटाई है वहाँ वहाँ पे डायरेक्शन लगाते रहो, मतलब ये पहले बी पे लगा दिया समझो, ये हमने सी पे लगा दिया, और ये हमने डी पे लगा दिया, मतलब जिधर से तुमने डायरेक्शन को हटाना है वहाँ पे तुमने नीचे फिर वो उसका एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी बनेगा, जिसे हम कहते हैं रिडंडेंट स्ट्रक्चर या ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर, और उसको फिर तुमने वहाँ पे कोई भी डायरेक्शन भी देना है, ये बी वाई दिया, यहाँ पे सी वाई दिया, यहाँ पे ई वाई दिया, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, मतलब अच्छा याद रखना कि जो हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, ये वाला प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो फोर्सेस होंगी वो सारी एग्जैक्ट सेम होंगी, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में जो गिवन फोर्सेस है ना, वही वो वाली बिल्कुल एग्जैक्ट वही लगा देनी है, और जो हमारे पास जो रिडंडेंट स्ट्रक्चर होगा, ये जो ये वाला आर वाला बना है, इसके अंदर सिर्फ फोर्स वहाँ पर लगेगी जहाँ से तुमने डायरेक्शन रिमूव की है,
हमने यहाँ पे रोलर रिमूव किया है तो इसलिए हमने यहाँ पे बस बी वाई लगा दिया और कुछ नहीं। तो इस तरह हमने इसको रिजॉल्व किया है स्ट्रक्चर को। अब सिंपली हमने इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे, ये बी पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ रोलर है तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन अलाउ नहीं करता, रोलर वर्टिकल अलाउ नहीं करता, हिंज जो होती है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों अलाउ नहीं करती, और जो मोमेंट होता है सॉरी फिक्स्ड होता है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और मोमेंट तीनों अलाउ नहीं करता। तो मतलब यहाँ पर जो रोलर है हम अगर बी पर देखें एट बी तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या जीरो होगी क्योंकि रोलर है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन हमारे पास जीरो है तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन कर दो जीरो। यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो सकती है क्योंकि हमारे कैंटिलीवर ना यहाँ पे वैसे से याद होगा कुछ कुछ इस तरह बनता है शक्ति। तो ये जो ये डिफ्लेक्शन होगी इसको हम कह देते हैं कुछ भी नाम देते क्योंकि ये बी पॉइंट है इसको कह दो डेल्टा बी। इधर क्योंकि हमारे फोर्स ऊपर को लग रही है इसकी रिफ्लेक्शन इस तरह बना दो और कुछ नहीं, इसको फोर इसको नाम दे दो डेल्टा डैश बी भी। वैसे ये नेमिंग स्कीम है कि हमें डैश दे देना क्योंकि हमारे पास रिडंडेंट है और बी बी के बी पॉइंट पर बी फोर से लग रही है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आएगा क्योंकि डाउनवर्ड इसको हम ले लेते हैं नेगेटिव माने डेल्टा बी, वो अपवर्ड है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, साइन कन्वेंशन है और कुछ नहीं। अच्छा ये जो हमारे पास डेल्टा डैश हमारे पास रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है कि डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी इनटू जो भी हमारे पास फोर्स है, मतलब हम फोर्स को क्या कहें एफ कह लो, चलो चलो फ्लेक्सिबिलिटी फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी इनटू जो भी फोर्स है पी कह लो चलो पी कह ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना वो होती है डिफ्लेक्शन एट यूनिट लोड। थोड़ी देर पीछे ही हुआ है हमने समझा हमारा स्टक हो गया तब से शायद मसला था। अच्छा मतलब ये देख लिया था कि ये हमने कैसे बनाया है यार, मतलब सिर्फ ये अभी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर और रिडंडेंट बना था, ये जो रेड लाइंस लगाई है ना ये नहीं सम, ये इस पे स्टक था। अच्छा ये दोबारा बता दो ये है ठीक है, ये ठीक है कि डोजर के ऊपर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन होता है, हिंज के ऊपर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और मोमेंट के फिक्स के ऊपर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोमेंट तीनों। तो जिधर डायरेक्शन होगा उसका मतलब कि उस साइड पे वो डिफ्लेक्शन नहीं अलाउ करता है। डायरेक्शन होता ही है कि तुमने ऊपर से मतलब रोलर के ऊपर तुम ऊपर लोड लगा रहे हो तो रोलर उसको रिजिस्ट कर रहा है, जो रेजिस्टेंस है यही डायरेक्शन है। तो मतलब ये देखो यहाँ पर हमें पता है कि बी पॉइंट पर हम चेक करें, इस बी पॉइंट पर देखो यहाँ पर रोलर है तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कैसे कितनी होगी ज़ीरो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। आवाज आ रही हाँ ठीक है आ रही है ठीक है कैरी ऑन ठीक। इधर अब देखो ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो हमारी डिफ्लेक्शन होगी ना वो मतलब रफली कुछ इस तरह बनेगी, शुरू पे फिक्स पोर पे जीरो होती है और इधर आके ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे फ्री एंड है। तो जो इसको डिफ्लेक्शन को नेम दो डेल्टा बी, मतलब बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन है तो डेल्टा बी से हमने इसको डिनोट कर दिया तो बस। और इधर क्या होगा क्योंकि ये देखो फोर्स ऊपर को लग रही है इसकी डिफ्लेक्शन ऊपर ड्रॉ कर दो, इसको नाम दे दो डेल्टा डैश पी बी
डेल्टा डैश क्यों? क्योंकि डी डैश से हम जो ये कर बता रहे हैं कि ये रिडंडेंट स्ट्रक्चर है, और बी बी के मतलब के एट पॉइंट बी फ्रॉम फोर्स एट बी, पहला बी के कौन सा पॉइंट है बी पॉइंट पर, दूसरा बी के फोर्स कौन सी है, फोर्स बी पर ही लग रही है, तो समझो इस तरह को होता कुछ, जो सी पे पॉइंट लग रही होती फोर्स और हमें रिफ्लेक्शन पॉइंट करनी होती बी पर ही, तो हमने सो कहना था डेल्टा डैश पॉइंट क्या है हमारे पास बी और फोर्स कौन सी है सी, ठीक है, पहले पॉइंट फिर फोर्स। इसको हम इस तरह लिख लेंगे, यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे जीरो आ गया, इधर डिफ्लेक्शन है डेल्टा बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसको हम नेगेटिव में लिख लो डेल्टा डैश डेल्टा बी नेगेटिव में, और आगे वो ऊपर को जा रही है तो उसको हम पॉजिटिव में लिख लो डेल्टा डैश ई बी, ठीक है। अब जो हमारे पास डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्लेक्शन होती है कि फ्लैक्सीबिलिटी, ये फ्लैक्सीबिलिटी एफ से ऐसे फ्लैक्सीबिलिटी इंटू फोर्स, पी मतलब लोड या फोर्स, डिफ्लेक्शन का ये फॉर्मूला होता है। मतलब तुम अगर तुम फ्लैक्सीबिलिटी का पूछो, फ्लैक्सीबिलिटी क्या होती है, फ्लैक्सीबिलिटी होती है डिफ्लेक्शन एट यूनिट लोड, जब पी वन हो तो जितनी डिफ्लेक्शन होगी उसको हम फ्लैक्सीबिलिटी कहेंगे, ये बस फॉर्मूला है कि हमने अगर बी वाई इज इक्वल टू वन लें तो जितनी डिफ्लेक्शन होगी उसको हम कहेंगे कि ये है फ्लेक्सिबिलिटी, सही है फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ ठीक हो गया, लेकिन ये तेरा तेरी तरफ से स्टक हो रहा है, स्लो काफी चल रहा है, यानी तू पहले लिखता है ना शो बाद में फिर स्टार्ट कर, शायद नेट का मसला है, नेट का मसला है, आवाज ठीक आ रही है, आवाज भी अड़ के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही, आवाज ठीक है लेकिन ये इसमें मसला है, ये स्टक हुआ पड़ा है, स्टक कहां पर, डेल्टा बी डेल्टा मतलब तू लिख पहले रहा होता है ना फिर बाद वो शो होता है, वो इतना तो नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता ही है, चलो ठीक है, तो बस इसको इस तरह लिख दो कि माइनस डेल्टा बी तो है ही है, ये डिफ्लेक्शन है तो इसको तुम लिख दो फ्लेक्सिबिलिटी डेल्टा बी बी इंटू ये फोर्स कौन सी, मेरे पास बी वाई थी तो बी वाई, अब ठीक है बी वाई नजर आ रहे ठीक, तो असल में हमने फाइंड ये फोर्स मेथड है ना, इसका नाम ही फोर्स मेथड है, तो हमने फोर्सेस फाइंड करनी है, तो हमने बी वाई फाइंड करना है, तो बी वाई को अलहदा कर लो, इधर गया तो ये डेल्टा बी ऊपर आ गया, नीचे ये फ्लेक्सिबिलिटी बी बी, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है फॉर्मूला। हमने अब दो स्टेप्स कर लिए, पहले हमने जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में और रिडंडेंट स्ट्रक्चर में रिजॉल्व किया है हमारे जो गिवन जो भी क्वेश्चन है, दूसरा हमने ये इक्वेशन डाली, इस इक्वेशन को वैसे टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम इसको हार्डली ये दोनों कम हुए 5 मिनट भी ज़्यादा ही है, वरना फिर पेपर में आगे क्वेश्चन लंबा काफ़ी है, ठीक आ रही है बॉस, हाँ ठीक है ठीक। अब हमने सिंपल हमें जो देखो यहाँ से क्या चीज़ें चाहिए, बी वाई के लिए हमें एक हमें डेल्टा बी भी चाहिए, एक हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बी भी चाहिए, तो अब अगर हम दोनों सीधा कंप्यूट कर लें तो हमारे पास बी वाई आ जाएगा, बी वाई को हम यहाँ पे यूज़ करके हम बाकी तीनों डायरेक्शन निकाल सकते हैं इधर से, और फिर वो तीनों डायरेक्शन को यूज़ करके हम एंड में वो फिर शेयर फोर बैलिंग में डायग्राम बना सकते हैं, तो इसको कैसे निकालना है, ये दोनों देखो ये दोनों डिफ्लेक्शन हैं, तो सिंपली टेबल बनाओ, पहले लिखो एम बाय कौन सा है, फिर उसका ओरिजिन, फिर उसकी लिमिट, ये तीन चीज़ें तो वैसे आ गई, उसके बाद हमारे पास आ गया है कैपिटल एम, कैपिटल एम जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में मोमेंट की इक्वेशन हो उसे हम कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं, और जो हमारे रिडंडेंट स्ट्रक्चर है उसके अंदर तुम लिख दो कि स्मॉल एम, इसके साथ बी पर है तो इसको बी लिख दो एम बी, हमारे पास मेंबर कौन से हैं
एक हमारे पास ये है ए बी ए सी बी है, एक हमारे पास ए सी एक है सी बी, और जो इनके लिए बी वाला ही ले लो वो इजी रहेगा। लिमिट के बी हमने ओरिजिन लिया है तो 0 6 पहले की आएगी, दूसरे वाले की आएगी 6 8 12, 0 6 6 8 12। अगर हम इसके लिए लेते अगर हम पहले वाले के अगर दूसरे वाले के लिए अगर हम सी लिमिट लेते हैं तो ये भी 0 से 6 होना था, ये इतना तो ठीक है, ये काफी पहले किया हुआ है। हाँ ठीक है, समय लग रही है। ठीक, तो हमारे पास ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, 6 डिस्टेंस ये 6 डिस्टेंस, तो अब हमने सेक्शन कट करना है। यहाँ पे देखो कोई भी फोर्स नहीं है, 0, तो यहाँ पे सिंपल एम इसकी आ जाएगा 0। इधर फोर्स ये हमने सेक्शन कट किया, दूसरा सेक्शन इसके लिए इसी के लिए, तो ये टोटल डिस्टेंस है हमारे पास एक्स। एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टिल कटेड सेक्शन, हमने ओरिजिन लिया है बी, ये बी है, बी से लेकर सेक्शन तक का डिस्टेंस को हम कहेंगे एक्स। तो ये एक्स है तो ये 50 का क्या होगा, ये क्योंकि डाउनवर्ड है इसको लिखते हो -50, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव फिफ्टी लेना है माइनस एक्स 50, एक्स -6। हाँ एक्स माइनस सिक्स, हमने ये 6 निकाल दिया तो इतना बच गया डिस्टेंस, ये एक्स माइनस सिक्स आ गया, ये 6 था, तो 50 इंटू एक्स माइनस सिक्स। डाउनवर्ड फोर्सेज को हमें लेना नेगेटिव, ये मैंने 50 को -6 ले लिया है, अपवर्ड फोर्सेज को हमें लेना पॉजिटिव, बस कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे नहीं पड़ना। इसी तरह हमारे पास जो हमारे पास रिडंडेंट स्ट्रक्चर है उसका भी जल्दी से कर लो, वो यहाँ पर हमने बी वाला लगाया था डाउनवर्ड नेगेटिव हो तो अपवर्ड पॉजिटिव ले दिया ना। अपवर्ड पॉजिटिव, हाँ अब ये देखो ये 1 है, इससे क्या लेंगे हम, इसके दो जगह यहाँ पे काटे हैं ये सी पॉइंट, तो 1 इंटू एक्स, ये एक्स डिस्टेंस है ना, तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए एक्स डिस्टेंस ये बन जाएगा। याद रखना एक्स होता है हमेशा सेक्शन से लेकर जो भी हमारे पास ओरिजिन है, जो ओरिजिन है मैंने बी लिया है तो मैं एक्स हमारे पास ये है, अगर मैं ओरिजिन सी लेता तो एक्स मेरा ये आना था, ठीक है, ओरिजिन पर डिपेंड करता है एक्स क्या है। तो इधर ये बी वाला एक ले लो तो ये सिंपल रहता है, क्योंकि ये देखो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा तो दोनों का 1x 1x आ जाएगा, तो सिंपल है, दोनों का डिफरेंट देखना पड़ना था। इसके बाद अब हमारे पास डेल्टा बी क्या होता है, ये फॉर्मूला याद होगा, कैपिटल एम एम ओवर ई आई, हाँ कैपिटल स्मॉल एम की इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बिल्कुल, तो ये हमारे पास जो जो फॉर्मूला ये हमारे पास जो देगा आंसर देगा वो हमारे पास डेल्टा बी होगा, और स्मॉल के लिए हम एम बी ओवर ई आई, तो ये स्मॉल डेल्टा डैश बी बी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी बी बी। तो हम यहाँ पे इसका अगला कॉलम बना लेते हैं, एम इंटू एम बी और एक एम बी का स्क्वायर ई आई, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंट है वो एंड में हम डिवाइड कर लेंगे इंटीग्रेशन करके, तो सिंपल। तो अभी बस इनकी इंटीग्रेशन कर लो, ये इंटीग्रेशन 1x इंटू 0 तो ये 0 ही आएगा, ये उसके बाद एम एक्स का स्क्वायर की इंटीग्रेशन लिमिट 6 पुट करो तो ये इस तरह बनेगी, एक्स का स्क्वायर 0 से 6, तो जो भी कैलकुलेटर में आंसर निकाल लो वहाँ से आ जाएगा। इस तरह इधर इधर आएगा -50 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स, क्योंकि एम बी एम बी है ना, इसकी इंटीग्रेशन कर दो 6 से 12 तक, और इधर इसकी इंटीग्रेशन, ये मतलब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करो तुम्हारा आंसर निकला गया। ठीक है, हाँ ठीक हूँ। हाँ ठीक है, ये बस तुम्हारे पास आंसर आ गए, इनको सम करो,
ये तुम्हारे पास आएगा डेल्टा बी, इसको सम करके तुम्हारे पास डेल्टा डैश पी भी आ जाएगा, जिसको हम डेल्टा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं। और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो इस इक्वेशन से, तो तुम्हारे पास बी आ जाएगा। सही हो गया? हाँ ठीक हो गया। बस हमने बस मतलब इतना हमने कर लिया ना, ये हमारे पास न्यू काम है। अगर हमारे पास बी वाई की वैल्यू आ गई, समझो यहाँ पे टेन आ गई थी, तो सिंपल आप इधर मोमेंट इक्वल जीरो लो, यहाँ से एम ए निकालो, एफ वाई जीरो लो, यहाँ से एम ये वी ए निकालो, तो तुम्हारे पास तीन डायरेक्शन भी आ गए। और सिंपल आप बैंडिंग मोमेंट और शेयर फोर डाइग्राम वो तो सिंपल ड्राई कर दिए। ठीक हो गया? मतलब हमने बस जो काम करना है वो मैं ये बता था कि बस फोर्सेस तक करना है, बाकी सारे काम वो पुराने वाले हैं, प्रोडक्शन और शेयर्स वो तो सिंपल है। अब मतलब ये देखो, ये मैंने किया था वन फोर्स वाला, अब समझो सेकंड दो वाला। इसको रिजॉल्व करना है तो मैं सिंपली कर देता हूँ कि या फिर तुम इस तरह कर लो, ये हमारे पास आगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसको तुमने यहाँ पर टेन फोर्स तक दी, और रिडंडेंट स्ट्रक्चर आएगा इसका इस तरह, ठीक है। मैंने किसने रिजॉल्व किया है पहले फास्ट फास्ट, उसको बस सारे कुछ स्टेबल होना चाहिए। देखो ये सारे, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, और सारे तीनों डिटर्मिनेंट भी हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी कि पहले हम चेक कर लो बी पर, बी पर वही दोबारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन जीरो है, बी के ऊपर वर्टिकल डिफ्लेक्शन इस स्ट्रक्चर में जीरो इज इक्वल, यहाँ पर होगी जो डिफ्लेक्शन होगी वो इस तरह समझो सपोज कर लो, वो हम कह रहे थे डेल्टा बी, इसको ये ऊपर को सपोज कर लो, ये भी ऊपर को सपोज कर लो, माइनस ये माइनस लेना वो माइनस लेना एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। अब ये इसको मैं बड़ा करता हूँ, देखो ये बी वाई है, तो इसके ये जो रिफ्लेक्शन आएगा इसको हम क्या कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि डिफ्लेक्शन एट बी, बी पॉइंट पे हम डिफ्लेक्शन फाइंड करें फ्रॉम फोर्स, जो फोर्स है वो भी बी वाई है, तो हम डेल्टा डैश बी भी कह देंगे। और इस वाले सेक्शन के लिए क्या होगा कि हमारी ये तो इसी तरह ही है, अब यहाँ पर सी वाई इस तरह लग रही है, वो डिफ्लेक्शन हमने बी पे ही देखनी है, ये मैंने पहले लिखा हमने बी पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा माइनस डेल्टा डैश डिफ्लेक्शन एट बी, बी वैसे ही आ गया और हमारे पास फोर्स कौन सी सी, ठीक हो गया। तो आगे थोड़ा सिंपलीफाई करो, डेल्टा बी यानी इसमें वही देखना है ना, डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू रिडंडेंट लोड एट सी, वो वाला चक्कर है ना। हां वही वाला, ये डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू लोड एट सी, ये सी वाला एफ बी बी वी वाई माइनस एफ बी सी इनटू सी वाई, ये हमारे पहले इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, अब तुम देख लो सी पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन, यहाँ पर सी पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितनी जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो स्पोर्ट है जीरो इज इक्वल, यहाँ पर सी पर डिफ्लेक्शन है ये वाली, ये ब्लू लाइन में, जिसको हम डेल्टा डैश कहते हैं, ओ सॉरी डेल्टा सी, क्योंकि तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो डेल्टा सी कह रही है। इधर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास फोर्स एट बी है, डिफ्लेक्शन हमें सी पे निकाल रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे माइनस डेल्टा डैश जो डिफ्लेक्शन है सी बी, फोर्स बी पर है डिफ्लेक्शन सी पर है, तो पहले डिफ्लेक्शन लिखते हैं कि डिफ्लेक्शन एट बी फ्रॉम द लोड एक्टिंग एट पॉइंट सी, और इस वाले में देखो तो ये क्या आएगा माइनस डेल्टा डैश सी सी, पॉइंट भी सी है फोर्स भी सी पर है, तो डेल्टा डैश सी सी आ गया।
तो इसको हमने फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म में लिखा तो ये आप अब ये देखो हमारे पास जो इसके अंदर ना इक्वेशन के अंदर अननोन जो है वो अननोन जो मेरे पास है एफ ये बी वाई और ये सी वाई बस जो मेरे पास एफ बी सी एफ बी बी एफ सी बी एफ सी सी ये हम निकाल सकते हैं सिंपल वो यूनिट रोड मेथड से डेल्टा बी डेल्टा सी वो एस निकलेंगे तो ये सब पहले निकालोगे ये अब निकालना कौन सा है पहले ये निकालोगे ये निकालोगे ये निकालोगे ये निकालोगे पर ये छह चीज़ें तुम्हें निकालनी पड़ेंगी फिर तुम्हें इन इक्वेशन पुट करोगे दो साइमल्टेनियसली इक्वेशन बन जाएगी तो फिर उसको हमें उस सॉल्व करना है ठीक है ये मतलब किस तरह की है ठीक है इसका मैं एक हल्का टेबल कर देता हूँ ड्रॉ मतलब हमारे पास पहले मेंबर आ गया उसके बाद उसका ओरिजिन आ गया उसके बाद उसकी लिमिट आ गई ये तीन चीज़ें तो वैसे भी हैं उसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर में मूवमेंट एम कैपिटल एम कैपिटल उसके बाद हर इसके अंदर जो रिडंडेंट आएगा उसको हम कहते हैं इसके अंदर हम कहते हैं एम सी तो इसके बाद एम बी आ गया एम सी आ गया अब हमने आगे क्या करना है मतलब क्योंकि हमारे पास इसमें डबल है इसमें ज़्यादा छोटे से बन जाएंगे कॉलम ज़्यादा बनेंगे एम को ना दोनों से मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा एम इंटू एम बी और एम इंटू एम सी ठीक है एम इंटू एम बी से वैसे क्या बनता है एम इंटू एम बी से बनेगा डेल्टा बी और इससे बनेगा डेल्टा सी क्यों ये हमारे पास जो हमारे पास यूनिट लोड मेथड होता है उसमें हम कैपिटल एम स्मॉल एम करते हैं ई आई से डिवाइड करना ही करना है चलो कैपिटल एम होता है जो हमारे पास ओरिजिनल लोडिंग होती है स्मॉल एम होता है हमारे पास जो यूनिट लोड लगाते हैं तो यहाँ पर देखो कैपिटल एम तो ये इधर से ही आ जाएगा ये वही वाला है स्मॉल एम ये है ये हमने यूनिट लोड लगाया ये वन है ये भी वन है जो भी रिडंडेंट स्ट्रक्चर हम लोड लगाते हैं उसकी मैग्नीट्यूड वन लेते हैं ना तो वो आगे यूनिट लोड वाला ये आगे हमारे पास जो असली इक्वेशन है ठीक है ये मतलब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों आ जाएंगे ये अभी दो कॉलम बने इसके बाद दो कॉलम और इसके एम बी स्क्वायर के फिर एम सी स्क्वायर के इनसे क्या आएगा एम बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर का मतलब कि लोड भी इधर हाँ बिल्कुल इसके साथ डेल्टा डैश बी बी या इसको हम इस समय लिखते हैं एफ बी बी दोनों सेम चीज़ें हैं क्योंकि लोड वन है तो इधर भी ये आ जाएगा डेल्टा डैश सी सी या एफ सी सी सेम चीज़ें हैं ये मैं बस चार कॉलम हो गए एक्स्ट्रा देखो एक दो तीन चार डिफ्लेक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी को एक ही टर्म में ले रहे हैं हाँ क्योंकि डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी इनटू फोर्स जब हमारे पास फोर्स वन हम यूज कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन इक्वल फ्लेक्सिबिलिटी बच जाता है ठीक हो गया बस बस ये याद रखना कि मतलब हम फोर्स इस मेथड में हम हर जगह देखो वन लगा रहे हैं शुरू में तो ये फोर्स इज वन के तो फिर डिफ्लेक्शन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी डिफ्लेक्शन एट यूनिट फोर्स यूनिट फोर्स पर जितनी भी डिफ्लेक्शन आए उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं ये देखो हमारे पास अब ये चार कॉलम बन गए तो ये दो ये अब दो कॉलम और बनेंगे वैसे वो एक ही बनेगा मतलब हमारे पास छः थे ना वेरिएबल एक बी बी हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया ये बी बी हो गया ये सी सी हो गया हमारे पास बी सी और सी बी रह गए तो असल में तो इनके असल में क्या होना चाहिए हमारे पास दो बनने चाहिए कि हम दो कॉलम और बनाएं एम बी डॉट एम सी का और एम सी डॉट एम बी का मगर हमें मतलब रियल में जरूरत नहीं होती क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल मैक्सवेल का जो लॉ नहीं है तो उससे मतलब कि ये दोनों इक्वल होंगे तो एफ पी बी तो एफ बी सी इक्वल टू एफ सी बी तो इनमें से एक कॉलम और बनाओ इसका हम जिसका बना लिया एफ बी सी निकाल लो उसको एफ सी बी के इक्वल रखें ठीक है
हाँ ठीक हो गया। मतलब जो हमारे पास, नेचुरल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना। हाँ ये हम सिंपली करने के, उतना आप नहीं करना तो फिर तुम थोड़ा काम लंबा कर लो, मतलब एक कॉलम और बना लो, वैसे आंसर दोनों का सेम है, जरूरत नहीं कोई। तो हमने जो पहले बनाया था m का पिछले क्वेश्चन में, m b का और m इंटू एम बी और एम बी स्क्वायर का, ये हमने चार पहले फर्स्ट डिग्री के लिए बनाए थे, इनडिटर्मिनेसी के लिए। अब वो बन गए चार से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए। इसी तरह वो अगले वाले के अंदर देखना, उसके अंदर थर्ड डिग्री के लिए, मैं जल्दी से थर्ड डिग्री का भी कर देता हूँ। इसमें थर्ड डिग्री है, इसको रिडेंडेंट कैसे बनाएंगे, इसको फिक्स पोज कर लो, जैसे पूरी फिक्स पोज हटा दो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया। प्लस ये पहला रिडेंडेंट स्ट्रक्चर, दूसरा रिडेंडेंट स्ट्रक्चर, तीसरा रिडेंडेंट स्ट्रक्चर, इतने उतने रिडेंडेंट स्ट्रक्चर बनाने हैं जितने हमने, मतलब इंडिटर्मिनेसी है इसके अंदर, इंडिटर्मिनेसी 3 थी। क्यों? क्योंकि एक ये रिएक्शन था, एक ये रिएक्शन था, एक ये रिएक्शन था, एक ये रिएक्शन था, और दो हॉरिजॉन्टल भी थे, तो उनको रिमूव किया है तो फिर हमारे पास ये 6 आ गई। तो हम इसको इस तरह लेंगे कि पहले के अंदर समझो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लगा दो, इसको हम इस तरह हमने लगा दिया है, ये हमारे पास बी था पॉइंट, इसको तुमने बी एक्स ले लिया है, इसको तुमने बी वाई ले लिया है, इसको तुमने डिफ्लेक्शन ले लिया है एम बी, ठीक है। वैसे ये फ्रेंच क्वेश्चन में होगा, यहाँ पर तो बी एक्स 0 ही आना है, तो हम एक सिंपल, हम इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, और सिंपली इसको सेकेंड डिग्री इंडिटरमिनेसी के लिए, फ्रेम के केस में होगा मस्त, के उसमें तीनों आता है, मगर अगर उसमें चलो एक उसका देखते हैं, मतलब ये अब देखो इसमें तीनों है, इसमें तीन आएंगे, ये हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर, इनके ऊपर कोई यूरिया लग रहा है, ये वैसे ही आ गया। प्लस पहला रिडंडेंट स्ट्रक्चर, दूसरा रिडंडेंट स्ट्रक्चर, तीसरा रिडंडेंट स्ट्रक्चर, तीन। अब यहाँ पर हमने पहले वाले के अंदर समझो हॉरिजॉन्टल दो टू किया है, तो इसको हम यहाँ पर, इसकी रिफ्लेक्शन कैसे होगी फ्रेम की, वैसे यहाँ पे 0 होगा, कुछ ना जाएगा यहाँ से, इस ना यहाँ से, इस ना तो ये हॉरिजॉन्टल कर ले, तो हम डेल्टा डैश, ये पॉइंट क्या था, ए बी, ये क्योंकि डी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल है तो हम इसको लेते हैं डेल्टा डैश डी एच, एक मिनट मैं बता देता हूँ, ये पहला हमारे पास रिडंडेंट स्ट्रक्चर है, क्लियर नजर आ रहा है। अब नजर आ रहा है ठीक, हाँ ठीक है हम, ये पहला हमारे पास रिडंडेंट स्ट्रक्चर है, तो इसके जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल आएगी, इसको समझो हमने यहाँ पर जो फोर्स लगाई है वो dx लगाई, dx लगाई है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन आएगी वो हम उसे कहेंगे डेल्टा डैश डी वी इंटू, ओ सॉरी, डी एच इंटू डी एच, के डिफ्लेक्शन है डी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्स कौन सी है, डी एच ही है, इसको डी एक्स या डी एच कह लो, एक मर्जी, या एच डी कह लो। इसके ये जो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी है, इसमें देखो तीनों डिफ्लेक्शन इकट्ठी हो रही है, जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन को कहेंगे हम डेल्टा डैश, क्योंकि ये वर्टिकल है तो हम उसको कहें डी वाई टी वी वर्टिकल बाय डी एच, फोर्स में अभी हॉरिजॉन्टल ही है। प्लस ये जो रोटेशन थीटा आ रहा है तो हम इसको थीटा कहेंगे थीटा
थीटा जी ये है ना, तो इसको थीटा एम कहेंगे, डेल्टा डी या डी डेल्टा एक ही बात है। अब ये किससे आ रही है, टी एच से, ठीक है। डबल डी एच कैसे है इसकी समझ नहीं आ रही है, डी एच दो दफा फिर एच क्यों। ये देखो, ये देखो, अब ये दूसरा मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये पहला रिजनल स्ट्रक्चर था, इसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल लगाया फ्लोर, दूसरे में हम लगा रहे हैं वर्टिकल, इसको हम डी भी लगाते हैं, ठीक है, या वी डी कह लो, एक ही बात है, या डी वाई कह लो। तो इसके ऊपर जो डिफ्लेक्शन आएगी वो तुमने रिफ्लेक्शन बस याद कर लो, इस तरह ही आनी है। रोड लगाओगे ना अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो उसने इस तरह का टिल्ट होना है। तो ये जो वर्टिक, इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल कहेंगे, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल में इतना रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो उसे कहेंगे हम डेल्टा डैश किस पॉइंट पर है, टी एच, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कौन सी हुई, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन हुई ना, डी पर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन किससे हुई है, फोर्स कौन सी है, डी वी। एक फोर्स तीनों तरह के डिफ्लेक्शन कर सकती है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल भी कर सकती है, वर्टिकल भी कर सकती है, रोटेशन भी कर सकती है। तो ये देख के ना ये याद रखना कि ये डी एच किस पॉइंट पर हो रहा है, डी पॉइंट पर किस तरह का हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस से हो रहा है, डी वी से हो रहा है। इसको हम अगर तुम इस देखो कि ये क्या होना चाहिए, फिर ये डेल्टा, ये डिफ्लेक्शन किस टाइप की है, वर्टिकल है और डी पर है, तो डी वी कह दो। किससे हो रही है, फोर्स कौन सी, वो भी डी बी है, ये आ गया। यहाँ पे थीटा क्या आएगा, थीटा, इसको हम कहेंगे डी डेल्टा के, डी पर ही रोटेशन है, किससे हो रही है, डी वी से, या डेल्टा डी कह लो, डी डेल्टा कह लो, एक फिर डी डेल्टा कह लो, ठीक है। बस चला, क्योंकि ये सारे फ्रेम वाले इस तरह ही हैं, हमने किस तरह को रिजॉल्व कैसे करना है। समझ आ गई इसकी, आ गई एक ये, एक ये देखो हर स्ट्रक्चर में ना एक ये हॉरिजॉन्टल है डी एच, डी एच अगर हम डी एच तो करते हैं, एक ये वर्टिकल आएगा डी वी डी एच और एक थीटा आएगा। इस तरह इसके अंदर अगर हम वर्टिकल से लगा रहे हैं तो ये डी एच डी वी आएगा, ये डी वी आएगा, और ये डी थीटा जो आएगा वो आएगा डी डेल्टा इंटू डी वी। और अगर यहाँ पर हम मोमेंट लगा रहे हैं एम डी, तो ये रिफ्लेक्शन कौन सी आएगी, ये कि डिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन है किस पॉइंट पर, हॉरिजॉन्टल डी एच और अल्फा डी कह लो इसको। अल्फा डी क्यों, क्योंकि ये मूवमेंट से हो रहा है, वैसे हमने इसको अल्फा डी दे दिया। ये यहाँ पर होगा टी वी इंटू अल्फा डी, अल्फा डी से हो रही है, और यहाँ पर जो थीटा आएगा तो हम थीटा डी डी कह लो, ठीक है। हमारे पास नौ वेरिएबल बने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, हर स्ट्रक्चर में एक। इसका टेबल कुछ इस तरह बनेगा, मतलब मेंबर, उसका ओरिजिन और उसकी लिमिट तो वैसे देख दो, वो तीनों आ गए। उसको एम कैपिटल जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में, फिर एम जो मेंबर डी एच हॉरिजॉन्टल फोर्स वाला, एम डी वी और एम डी थीटा, डी एच डी वी डी थीटा वही के जिस फ्रेम के अंदर हमारे पास डी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है वो डी एच है, जिसके अंदर वर्टिकल लग रही है वो डी वी है, और जिसके अंदर हमारे पास मोमेंट लग रहा है वो डी थीटा, ठीक है। ये तीन हमारे पास आ गए पहले। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करके ना वही नौ वेरिएबल जो उधर थे वो निकालने हैं, तो वो इस तरह आएंगे। पहले हम इनको m को तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो m आ जाएगा एम डी एच, एम डी वी और m इंटू स्मॉल m डी थीटा, ठीक है। ये इस तीनों से क्या क्या आएगा, एम इंटू एम डी एच से डेल्टा तो बना दो डी एच, इनकी क्वेश्चन
यहीं पे बना लेते हैं। ये समझे दो इधर हैं, एक वो उधर, एक ये पड़ा है। इसकी हॉरिजॉन्टल एट डी, पहले हम चेक करें हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट डी। इस फ्रेम में कितना है, जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है, यहाँ पे जीरो है। फिक्स फोर पे कोई किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होती, वहाँ पे जीरो जीरो अगर सेटलमेंट ना हो तो ये जीरो हो गया, इज इक्वल टू। इधर डिफ्लेक्शन को हम कहेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, कि डिफ्लेक्शन को समझो कह लो यहाँ पर डेल्टा टी एच, कह दो डेल्टा डी वी, और ये जो थीटा आएगा थीटा टी कह लो या थीटा डी डी कह लो, एक ही बात। तो उसको हम, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन क्या होगी, जीरो। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन क्या है, डेल्टा डी एच प्लस डेल्टा डी एच। अच्छा एक नाम याद रखना, मतलब जिस तरह तुमने ये बनाया ना, ये क्या नाम है, ये रेड लाइन में जो मैंने ड्रॉ की है, इलास्टिक कर्व ड्रॉ की है, जो रेड लाइन में ड्रॉ की है ना, इलास्टिक कर्व है इसके पीछे। तो जिस तरह की तुमने ड्रॉ की है, वो प्रेफरेबल ये है कि तुम ना जो फोर्स है वो इसी तरह की लगाओ। मतलब डी एच अब ये हमारे पास लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ऐसे ही है, फ्रेम से लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना। ये पीछे जो फ्रेम है उससे लेफ्ट की तरफ जा रहा है डी एच। तो अब तुमने यहाँ पे जो फोर्स लगाओगे तो उसको भी तुमने लेफ्ट वर्ड लगाना है, उसे साइन का इशू नहीं आएगा बाद में, वरना पे अगर तुम फोर्स और उसका साइन के अंदर बैठ जाओगे वो फिर मसला आ सकती है। अभी वो मेरे साथ भी हुआ था पहले, समझाइए क्या प्लान चाह रहे। यस यस क्या कहा हमदा यार, रिपीट करिए जरा। ये देखो ये हमारी स्ट्रक्चर है, इसकी डिफ्लेक्शन कुछ ना इस तरह आएगी। ये रिफ्लेक्शन बेशक याद कर लो, कोई मसला नहीं, मैंने भी याद की हुई है, वरना तुम वो स्ट्रक्ट वो कोई भी सॉफ्टवेयर चेक करो ना, उसके अंदर आराम से पता चल जाता किस तरह की डिफ्लेक्शन होनी चाहिए, बंदे को थोड़ा बहुत हो जाता आइडिया कि किस तरह होना चाहिए। तो अब ये देखो इसकी डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह हुई है, ये इस तरह ऐसी है। मतलब ये जो फ्रेम रेड वाला था वो इनसाइड मूव किया लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट को। हाँ तो तुम फिर बी एक्स ना इस तरह यूज, ये डी एक्स है बी एक्स जो भी, तो उसको तुम ना इस तरह यूज करना कि वो भी लेफ्ट की तरफ, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगाओगे ना अगले में वो लेफ्ट वर्ड लगाना है, इस तरह राइट वर्ड ना लगाना है। आंसर तो उससे भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं, जिस साइड पर डिफ्लेक्शन होगी फोर्स भी उसी डायरेक्शन में। हाँ उसी डायरेक्शन में, वरना मगर वो फिर एंड मसला होता है साइन का, कुछ साइन उल्टे कुछ सीधे होते हैं, फिर वो मसला ही आता है। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल भी इस तरह ये आ रहा, नीचे को आया ना ऊपर से, तो वर्टिकल तुम डाउनवर्ड लगा लेना इस पॉइंट से, मैं कह रहा हूँ कि जो इस रेफरेंस पॉइंट है थीटा, देखो ये एंगल ठीक हो गया, थीटा इस तरह रोटेट करके जा रहा है ये क्लॉकवाइज में, तो जो जो एम लगाओगे यहाँ पे एम डी लगाओगे वो क्लॉकवाइज लगा देना। असली फ्रेम से कितना उसको डिफ्लेक्ट किया है, बस ये गौर करना, टाइम का इशू है कभी कभी। ठीक है ये हम ये देखते थे ये डी एच, अब ये देखो ये सारे वैसे भी पॉजिटिव आएंगे क्योंकि ये भी अंदर को है, ये भी अंदर को है, सारे अंदर को हैं, तो ये सारे एक साइन का आ जाएगा, डेल्टा डी एच प्लस ये डेल्टा डैश डी एच डी एच डेल्टा डैश डिफ्लेक्शन इन हॉरिजॉन्टल बाय डी एच हॉरिजॉन्टली फोर्स प्लस डेल्टा डैश डी वी डी एच, ये वाला ये डी वी डी एच ये वाला ये कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मगर किस फोर्स से, डी वी से, क्योंकि हम डिफ्लेक्शन और जनरल कंपेयर कर रहे हैं ना इसलिए प्लस, और आखिर में हमारे पास क्या है जो डिफ्लेक्शन होगी मोमेंट से सीरीज कर दिए, तो वो इतना ये एम डी है ना, इसकी वजह से तो डिफ्लेक्शन आएगी इस तरह, तो ये रिफ्लेक्शन होगी, इसको हम कहेंगे डेल्टा डी डेल्टा इंटू इसको हम क्या कहें,
रिफ्लेक्शन एट, अच्छा ठीक है, रिफ्लेक्शन एट डी इन वर्टिकल डायरेक्शन बाय कौन सा है, डेल्टा डी, ये मोमेंट जो लग रहा है एम डी उसकी वजह से इस तरह है। इसको हम ऐसा करेंगे डेल्टा डैश डी एच डी एच डी वी ये सारी हॉरिजॉन्टल में है, यहाँ पे डी एच और अल्फा डी, ठीक है। इसको ऐसा लिखो डेल्टा डी एच प्लस एफ डी एच इंटू डी एच या एच डी प्लस एफ डी एच डी वी इंटू वी डी या डी वी प्लस एफ डी एच एल्फा डी इंटू एम डी, ठीक है। एक वजह समझाइए, हाँ आ गई है। अब फिर अगले क्या होगी, वर्टिकल में क्या होगा, ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन है डी, तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही है कि हम यहाँ पे पहले रख कर डेल्टा वी ले लेंगे, डी वी आ जाएगा प्लस फोर्स। अब ये डी वी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, किससे डी एच से लगा दो तो आगे भी डी एच आ जाएगा प्लस, फिर आगे डी वी के डी वी से और ये वी डी आ गए प्लस एफ डी वी वर्टिकल डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन है किससे, एल्फा डी मतलब मोमेंट से, तो एम डी आ गए, ये इक्वेशन टू बन गई, ठीक हो गया। और इक्वेशन थ्री क्या आएगी मोमेंट वाली, कि जीरो क्योंकि रोटेशन नहीं होती फिक्स पोर्ट पर, और यहाँ पर क्या आएगा थीटा डी, यहाँ पर थीटा डी प्लस, अब एफ की जगह बस एल्फा लगा दो, वो कोई वैसे फर्क नहीं क्योंकि हमने वो रोटेशन लगा दी, तो एल्फा एल्फा आ गया। अब हमारे पास क्या है, हमने रोटेशन फाइंड करनी है, तो इसको तो हम लिख दो डी डेल्टा है डेल्टा डी, डी डेल्टा कर लो, किस पॉइंट किस फोर्स से है डी एच से है इंटू डी एच प्लस एल्फा डी डेल्टा इंटू डी वी, डी वी प्लस ये एल्फा डी डी इंटू एम डी, ठीक है। तो चले बस वो सारे उनको इक्वेट किया है ऊपर देख देख के, सही टेबल का उतार था कि ये टेबल में पहले डी एच आ गया, ये एम इंटू एम डी वी, तो इससे क्या आएगा डेल्टा डी वी आ गया और इससे क्या आएगा थीटा डी आ गया, मतलब ये हमारे पास ये तीन चीज़ें आई हैं। चलो इक्वेशन से देखते हैं, अभी जो हमने वो तीन चीज़ निकाली हुई है कि ये डेल्टा डी एच है ये वाला, एक डेल्टा डी वी है और एक डेल्टा डी, ये तीन चीज़ें आ गई, ठीक हो गया। अब हमने आगे ये चाहिए एफ डी डी एच चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए ये और ये मैंने पहले कहा था कि नौ चीज़ें चाहिए हमें इसके लिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसी तरह ये तीन कॉलम बन गए, उसके बाद अगले तीन कॉलम बनेंगे इनका स्क्वायर कर लो, एम डी एच का स्क्वायर एम डी वी का स्क्वायर एम डी थीटा का स्क्वायर। सबसे पहले हम प्राइमरी मोमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ अलग अलग, फिर उसके बाद तीनों का स्क्वायर कर दो लहदा लहदा, ठीक है। इनसे क्या आएगा, इससे एफ डी भी आएगा, इससे एफ ये अच्छा ये इसको यहाँ पे इसको सारा लिख लो, ये तो बी नहीं है ये डी एच है ना, तो इससे आएगा एफ डी एच इससे आएगा एफ डी वी और इससे आएगा थीटा डैश डी डी या फिर एल्फा डी डी कर,
ठीक है। तो चलाइए, मतलब अब ना हमने ये निकाली है, ये पहले तीन तो निकाल ही थे, अब हमने ये निकाल लिया डी एच डी एच, एक हमने डी बी डी बी निकाल लिया और एक हमने अल्फा डी डी निकाल लिया, हमारे पास छः चीज़ें बच गई हैं। तो असल में हमें तो छः और कॉलम रन करने थे, अगर हम मैक्सवेल के वही थ्योरम से तीन में हलोगे तो काम हो जाएगा, तीन और ये तीन बनेंगे और मतलब डी एच एम डी एच इंटू एम डी वी, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एम डी वी इंटू एम डी थीटा और एम डी थीटा इंटू एम डी एच, इससे दो चीज़ें आएंगी, इससे दो चीज़ें आएंगी और इससे दो चीज़ें आएंगी। डी एच डी वी इससे आएगा एफ डी एच डी वी और इससे आएगा एफ डी वी डी एच, दोनों सेम होंगे। इससे आएगा एफ डी, ये मेरे पास डी वी है ना, तो डी वी और आगे हम उसको डी थीटा कह लो या फिर शुरू में लगा दो उसको अल्फा डी कह लो, और इससे चलो इसको आगे पहले देखते हैं, इनसे रोटेशन आएगी आगे, सो मैं ऐसे या फिर इसको अल्फा, हमारे पास क्योंकि ये डी वी से है तो डेल्टा डी रोटेशन, और किस से हमने निकाली, किससे है अल्फा डी, ठीक है सही है, वो चल रहा है कि ऐसे में नहीं जा रही हूँ, ठीक है चलो ठीक है, अब ये हो गए ठीक है, चल एक सेकेंड सोच हुआ, ठीक ठीक चलिए, ये हमारे पास हो गए थे डी एच डी बी हो गए थे डी बी डी एच, ये हो गए ठीक है, हमारे पास एम डी थीटा इंटू ये, इससे क्या आएगा को डेल्टा डी कह लो डी एच जो भी है, और उसको दूसरा कह लो कि डी एच एल्फा एल्फा डी, मतलब तुम्हारे पास ना बस ये नो ऑप्शन, ये हमारे पास नो ऑप्शन आ जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात आठ नौ, ये तीन जो डायगनल में है, मेरे ख्याल से ना स्क्रीन स्टक हो गई है, स्क्रीन मेरी भी स्टक हो गई, अब चल रही है कि नहीं, ये नजर आ रहा है नजर तो आ रहा है लेकिन एक जगह पर स्टक हो रही है, ये मैंने 7:30 ये टाइम पर किया है, ठीक हाँ ये इक्वेशंस नजर आ रही हैं आप जो दिखी हैं, हाँ अब ठीक है ठीक है, ये मैं बस ये बता था कि इसके अंदर हमने जो निकालने कोएफिशिएंट्स वो बस थोड़ा सा लंबा काम है, बाकी ये सारा प्रोसीजर वही सेम है, ये कोएफिशिएंट निकाल के तुम्हारे पास तीन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी, वो कैलकुलेटर में डालो वैल्यू पुट करो तुम्हारे पास रिएक्शन आ जाएंगे, यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और जो भी ये है फॉर्मेट का, इसको तुम फिर वो इक्वेशनल इक्विलिब्रियम यूज करके इस यहाँ से निकाल लो, फिर वो उसकी चेयरफुल बैटिंग पॉइंट आइकन ड्रॉ करो, ठीक है वो सेंटर को वाइंड अप करें एक ट्रस्ट का, या फिर ये ट्रस्ट बाद में कर लेंगे किसी और, यार हर गलती ना हर रोज मीटिंग में रख लेते हैं इसी वक्त, क्या कब मैं अगला जुमे रात को करेंगे ना जुमे रात प्रैक्टिस कर ले, इसमें से जो समझ ना आया पहले वो देखेंगे, ठीक है ठीक है उस पे जाएंगे, ट्रस्ट वाला बहुत सिंपल है, मतलब ये इससे ज्यादा आसान है, वो हमारे पास जो फॉर्मूला नहीं है हमारे पास जो हमने पहले किया था बस उसको देख के करना, के एन एन एल ओवर ई ए याद होगा ये,
चलो वो बाद में देख लेंगे, वैसे भी जान हो रही। ठीक है फिर लीव कर जाए फिर। ठीक है कोई पूछना हो तो पूछ लेना जान से, बात फिर लीव बना लीव कर। Thank you.